जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के लेक्चर में हमने टू क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसको हम विद इन 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है यहाँ भी देखिए, रूट में 7, फिर रूट में 7, फिर रूट में 7, उसके बाद डॉट डॉट, ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। यानी ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक अगर जाता है का मान क्या होगा, इसका अगर मान पूछे तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा, यहाँ पे अगर फिर ध्यान दीजिएगा, अगर ये इनफाइनाइट रहेगा उसके बाद का मान क्या होगा पूछे तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहेगा वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन फ्रेंड इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अगर ये डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक रहे तभी यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। अगर इसमें जैसे ये डॉट डॉट ना रहे, यानी सरल इसको सरल करना रहे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्या क्वेश्चन है, रूट में 7, फिर रूट में 7, फिर रूट में 7, फिर रूट में 7, फिर रूट में 7 है का सरल अकृति मान क्या है, यानी इसका सरलीकृत मान क्या होगा, आपसे यही पूछ रहा है। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जितने रूट हैं, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, 5 रूट हैं, तो यहाँ पे देखिएगा पहले के नीचे 2, फिर यहाँ भी 2, फिर यहाँ भी 2, फिर यहाँ भी 2, फिर यहाँ भी 2। अब क्या करिएगा, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16 दुनिया 32, यानी सभी को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा आ गया 32। अब आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू लिखना है यहाँ पे लिखिएगा छोटे कोष्टक में 7, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है 7 लिख दीजिएगा। अब आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो 32 आया है यहाँ पे बटे करके नीचे 32 कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद इस 32 में से यहाँ पे 1 माइनस करके, यानी आपका क्या आ जाएगा 31, तो यहाँ ऊपर लिख दीजिएगा 31, ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपके ऑप्शन सी में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।